हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल मनोज गुप्ता एकेडमी। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद क्लास 6 मैथमेटिक्स लेसन नंबर 10 इक्वेशंस प्रैक्टिस सेट 27। सो दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। इसमें क्या दिया गया है, देखो क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है, राइट द गिवन इन्फॉर्मेशन एज एन इक्वेशन एंड फाइंड इट्स सॉल्यूशन। मीन्स हमको इसका इक्वेशन बनाने के बाद में इसको सॉल्व करना पड़ेगा। वन वन वर्ड इसको पढ़ करके तब हम इसका इक्वेशन बनाएंगे और उसको सॉल्व करेंगे। क्या दिया गया है, हर्बा ऑन सम सीप्स। देखो यहाँ पे हर्बा के पास कुछ सीप्स है, तो सीप्स हमको पता ही नहीं है, कितने सीप्स हैं वो हमको नहीं पता। आफ्टर सेलिंग 34 ऑफ देम इन द मार्केट ही स्टिल हैज 170 सीप्स, हाउ मेनी सीप्स डिड हर्बा हैव एट फर्स्ट। मतलब हर्बा के पास कुछ सीप्स थी, अब कितनी सीप्स थी वो नहीं पता, उसमें से 34 सीप उसने बेच दिया। मतलब ये टोटल उसके पास सीप था, उसके पास में उसने क्या किया, 34 सीप बेच दिया, 34 सीप्स बेच दिया, तो जो रिमेनिंग सीप्स है वो कितना है, 176 है, तो उसके पास टोटल कितना सीप पहले था। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं लेट हर्बा ऑन एक्स सीप, मतलब हमको पता नहीं है कि उसके पास कितना सीप था। अब वो क्या बोल रहा है, वो क्या बोल रही है कि आफ्टर सेलिंग 34 सीप्स, मीन्स जितना उसके पास सीप पहले था उसमें से 34 सीप बेच दिए। देखो जितना सीप उसके पास था उसमें से 34 सीप बेच दिया, मीन्स वो माइनस हो जाएगा। बेचने के बाद उसके पास कितना बच रहा है, 176 सीप बच रहा है। तो देखो ये हमारा क्या बन गया, ये इक्वेशन बन गया। अब इसी को सॉल्व कर लो, यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे देखो अब ये क्या है, माइनस 34 है, तो माइनस 34 आया है तो हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे, माइनस है तो ऐड करेंगे। यहाँ पे लिखो एडिंग 34 टू बोथ द साइड, यहाँ पे पहले इक्वेशन वैसे लिख लो, x माइनस 34 इक्वल टू 176। अब इसमें क्या करना है, दोनों साइड में 34 प्लस करना है, प्लस 34 कर दिया, यहाँ पे भी प्लस 34 कर दिया, ये इससे कैंसल हो गया, तो यहाँ पे रिमेनिंग क्या बचेगा, x और 176 प्लस 34 कितना होता है, 210। देखो x की वैल्यू क्या आ गई, 210, यही तो उसका स्टार्टिंग में हमको यही तो लिखना है, x सिप आ गया, यहाँ पे x की वैल्यू आ गई, तो यहाँ पे आंसर लिख लो, हर्बा हैड 210 सिप्स एट फर्स्ट। अब हम लोग सेकेंड क्वेश्चन करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में क्या दिया गया, यहाँ पे देखो, साक्षी प्रिपेयर सम जैम एट होम एंड फिल इट इन अ बॉटल, मीन्स साक्षी ने कुछ जैम की बॉटल प्रिपेयर किया है, कितने जैम की बॉटल प्रिपेयर किया है वो नहीं पता। आफ्टर गिविंग 7 ऑफ द बॉटल्स ऑफ हर फ्रेंड, उसके बाद उसने क्या किया, मीन्स यहाँ पे देखो इसको ऐसे समझो, यहाँ पे उसने कुछ बॉटल जैम के प्रिपेयर किया है, उसमें से 7 बॉटल जो है अपने फ्रेंड को दे दिया, मतलब ये वाला पार्ट अपने फ्रेंड को दे दिया। सी स्टील हैज 12 फॉर हरसेल्फ, मतलब देने के बाद में सी स्टील हैज 12 फॉर हरसेल्फ, मतलब 7 बॉटल देने के बाद में उसके पास कितना बॉटल बचा हुआ है, 12 बॉटल बचा हुआ है। हाउ मेनी बॉटल्स हैड सी मेड इन ऑल, उसने टोटल कितना बॉटल बनाया था वो हमको निकालना है। दूसरा कंडीशन दिया गया है, इफ सी फिल 250 ग्राम ऑफ जैम इन ईच बॉटल, व्हाट वाज द टोटल वेट ऑफ द जैम सी मेड, मींस 250 ग्राम जो है एक बॉटल में आता है तो टोटल बॉटल में उसने कितना वेट जैम बनाया था। तो सबसे पहले लिखो लेट साक्षी प्रिपेयर जैम एंड फील्ड इट इन यक्स बॉटल, मीन्स टोटल उसने यक्स बॉटल बनाया था।
तो देखो यक्स बॉटल बनाया था, उसमें से 7 बॉटल उसने अपनी फ्रेंड को दे दिया, तो उसके पास रिमेनिंग कितना बच रहा है, 12 बॉटल बचे। देखो यक्स जैम में से, यक्स बॉटल में से 7 बॉटल उसने अपनी फ्रेंड को दे दिया, तो उसके पास रिमेनिंग कितना बचेगा, 12 बचेगा। तो अभी हम लोग पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या है, माइनस सेवन है तो क्या हो जाएगा, एडिंग करोगे, एडिंग 7 टू बोथ द साइड। तो हम लोग सबसे पहले इक्वेशन लिख लेते हैं, यक्स माइनस 7 इक्वल टू 12 दिया गया, इसको हम लोग क्या करेंगे, प्लस 7 करेंगे। यहाँ पे लेफ्ट साइड में भी प्लस 7 और राइट साइड में भी प्लस 7, तो 1 माइनस 1 प्लस कैंसिल होकर के यक्स आएगा, और 12 प्लस 7 कितना हो जाएगा, 19, मीन्स यक्स की वैल्यू आ गई 19। इतने बॉटल उन्होंने बनाया। उसके बाद इफ सी फिल 250 ग्राम ऑफ जैम इन ईच बॉटल, द वेट ऑफ जैम इन ईच बॉटल इक्वल टू 250 ग्राम सो दैट द वेट ऑफ जैम इन 19 बॉटल, एक बॉटल में 250 ग्राम होता है, तो 19 बॉटल में कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 250 इंटू 19। 250 में 19 का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, 4750 ग्राम हो जाएगा। तो इसको हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं, 4750 ग्राम में अगर हम लोग कन्वर्ट करते हैं तो 4 किलोग्राम 750 ग्राम इसी तरीके से आएगा। तो यहाँ पे उसने टोटल कितने बॉटल बनाए थे, 19 बॉटल बनाए थे, और उसमें कितना आएगा, 4 किलोग्राम 750 ग्राम जो है उसमें पूरा जैम उन्होंने बनाया था। थर्ड क्वेश्चन करते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या दिया गया, अर्चना बॉट सम किलोग्राम ऑफ व्हीट, मीन्स यहाँ पे उसने कितना व्हीट लाया है वो पता नहीं। सी रिक्वायर्स 12 kg पर मंथ एंड सी गॉट इनफ व्हीट मील्ड फॉर 3 months, आफ्टर दैट सी हैड 40 kg लेफ्ट, हाउ मच व्हीट हैड अर्चना बॉट ऑल टुगेदर। इसमें क्या बोला गया, देखो अर्चना बॉट सम किलोग्राम ऑफ व्हीट, अर्चना ने कितने व्हीट लेके आए हैं वो पता नहीं है, ठीक है। सी रिक्वायर्स 12 kg पर मंथ एंड सी गॉट इनफ व्हीट मील्ड फॉर 3 months, पर मंथ में उनको कितना व्हीट लगता है, 12 kg, और 3 months का उन्होंने आटा पिसा लिया है, तो 12 3 से कितना आ जाएगा, 36, और ये 3 months का आटा पिसाने के बाद में उनके पास 14 kg बचा हुआ है, तो उन्होंने टोटल कितना खरीदा था। यहाँ पे लिखो, लेट अर्चना बॉट एक्स केजी ऑफ व्हीट, अर्चना ने टोटल एक्स केजी ऑफ व्हीट परचेस किया है, मीन्स कितना केजी परचेस किया है वो हमको पता नहीं है। उसके बाद क्या लिखोगे, सी रिक्वायर्स 12 kg पर मंथ एंड सी गॉट इनफ व्हीट मील्ड फॉर 3 months, यहाँ पे लिखो, सी यूज्ड 12 kg के हिसाब से 3 months का हो जाता है 36 kg ऑफ व्हीट फ्लोर, ठीक है। अब सेकंड कंडीशन में क्या बोला गया है कि आफ्टर दैट सी हैड 14 kg लेफ्ट, मीन्स उसने एक्स केजी तो परचेस किया था, माइनस 36 kg जो है उसने उसका फ्लोर बना लिया, आटा बना लिया, उसके बाद में उसमें से एक्स केजी में से 36 माइनस करने के बाद में उसके पास कितना बच रहा है, 14 kg बच रहा है, 14 kg बच रहा है। अब इसको सॉल्व कर लो, यहाँ पे माइनस 36 है, तो हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे, एडिंग 36 टू बोथ द साइड, तो हो जाएगा एक्स माइनस 36 इक्वल टू 14 है, इसमें क्या करोगे, प्लस 36 दोनों साइड में करोगे, प्लस 36 यहाँ पे भी आ जाएगा, प्लस 36,
ये इससे कैंसल हो जाएगा, बचेगा क्या, एक्स इक्वल टू 50 केजी। अब यहाँ पे आंसर लिख दो, अर्चना बॉट 50 केजी ऑफ वीट, ये हमारा आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से करना था।